कुछ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका शो काफी लोगों को पसंद आया है, नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे शो को? बस यही है कि जितना प्यार अनुपमा रिश्ता को दिया है उतना प्यार बातें कुछ कहीं से को दीजिए। एक नया टेक्सचर है, एक नया फील है, और सारी टीम्स ने, सारे यूनिट ने, कास्ट ने, क्रू ने बहुत मेहनत करी है, और कल से बच्चा पैदा हुआ है, सो सब एक्साइटेड है, नर्वस है, और अब और जिस मेहनत से हम अनुपमा रिश्ता लेके आते हैं, आई कुटे लेके आते हैं, उसी तरीके से सारी टीम काम करेगी। तो शो की एक नई कॉन्सेप्ट है सिंगर को इस तरह से दिखाया जाता है, तो हाँ, तो एक नया टेक्सचर लिया है जहाँ पर सिंगिंग बहुत ज़रूरी है, सिंगिंग का बैकड्रॉप है, तो म्यूजिकल शो होगा, आस्ते आस्ते बहुत विजुअली हाई शो होगा, और बहुत खूबसूरत किरदार हैं। हमने देखा कि रूपाली मैम हो, प्रणाली हो, हर कोई शो को प्रमोट कर रहा है, तो काफी, क्योंकि ये परिवार है, ये प्यार करते हैं। कल रूपाली जी नहीं आ पाई क्योंकि उनके ब्रदर का बर्थडे था, बट वो उनका मुझे मैसेज आया और 3 बार वीडियो कॉल आया टेलीकास्ट के टाइम, पूरी फैमिली, आंटी विजय, रूपाली, अश्विन, रुद्रान सब साथ में बैठ के एपिसोड देखे थे। कल उनके भाई का जन्मदिन था तो वर्ली जाना पड़ा, इसीलिए प्रणाली भी आई। तो खुशी है कि जो दिल से DKP से जुड़ते हैं, जो इज्जत करते हैं हमारी, जो हम जिनकी इज्जत करते हैं, अगर वो नहीं आ पाते इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाए, और कल सब आए, सारी टीम्स आए, कुछ टीम्स नहीं आ पाए, सो बिकॉज दे वर बिजी एंड कमिटमेंट थी, बट बहुत प्यार से सबने टेलीकास्ट देखा। एंड विशिंग ऑल माय एक्टर्स, यूनिट क्रूज, थैंक यू रिश्ता की सारी टीम, सारे एक्टर्स, सारी क्रू को, अनुपमा के, आई कुटे के, थैंक यू। बहुत, मैं बोल देता हूँ, बहुत अच्छा बर्थडे है, और अच्छा लग रहा है कि आज उन्होंने इतना खूबसूरत महाभिषेक किया है। और सुधांशु हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बेहतरीन कलाकार, एक्टर तो हैं बट साथ बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने बुलाया सबको और इतनी खूबसूरत आरती और अभिषेक हुआ है। थैंक यू।